गाइस ये है हमारा प्यारी डॉगी जो बहुत ही क्यूट है, है ना क्यूटी। ये हेलो भी करती है, ये देखो अभी नहीं करेगी क्योंकि यहाँ कर रही है ये। पर मुझे ही अजीब लगता है हेलो करना, इसके अभी डस्ट लगी है इसके हाथ पैरों में। ये देखो ये देखो ये देखो, शी इज सच अ क्यूट। ये देखो हेलो क्यूटी, ये देखो हेलो 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 बेबी। क्या लगा इसको, व्हाट इज दिस, इज दिस अ टिक? ओ यस गाइस, हम आपको बताते हैं कि जो टिक है डॉग पे अगर लगी हो उसे कैसे रिमूव करना है। पहले तो आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो तो आपको ग्लव्स यूज़ करने हैं या फिर आप अपने हाथ में कोई लिफाफा भी बांध सकते हैं। बट मैं इसे ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं हाथ में लिफाफा बांध के आऊँगी तो ये डर जाएगी और ये भाग जाएगी। सो इसलिए मैं ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है ये करने की। कहाँ गई, ये देखिए टिक दरअसल एक कीड़ा होता है जो डॉग्स को लग के उनका खून चूसता है। बस इसे ऐसे पकड़ना है और खींच देना है। देखिए वो शिट, इसके थोड़े बाल भी निकल आए हैं एक दो। ये देखो ये एक गंदा सा कीड़ा है, आप इसे फेंक सकते हो। यू हाय बेचारी, एक दो बाल निकल गया इसका, पर कोई बात नहीं है कि इसे रिलीफ तो मिला। वो टिक इसका खून चूस रही थी। इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं, एक डॉल जैसी, आप देख सकते हैं गाइस। ये देखो ये ऐसे कर रही है बिकॉज ये चाहती है कि मैं इसे यहाँ पर मसाज करूँ। अगर आपको कभी भी किसी डॉगी के ऊपर टिक लगी हुई दिखे तो उसे इंस्टेंटली रिमूव कर दो। आप बेशक ग्लव्स यूज़ करो या कोई भी हैंकरचीफ या कुछ भी यूज़ करो बिकॉज़ ये इनका खून चूसती है। और अगर इनको ज़्यादा टिक्स लग जाएँ, जैसे सपोज़ कि इनके कान में टिक्स लग जाएँ या अंदर जब वो चली जाती हैं तो फिर इनको टिक फीवर हो जाता है, उनका सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो जस्ट हेल्प दीस क्यूटीज। एंड और तो नहीं है, इसे आप चेक कर सकते हैं, हम और तो कुछ दिख नहीं रही है, हाथ लगा के पता चल जाता है। आप देख सकते हैं गाइस कि इसके फेस पे थोड़ा आपको कुछ निशान दिखेंगे। एक्चुअली इसको एक बार एक एलर्जी हो गई थी और फिर इसको बेचारी ये बहुत, ये देखो इसको भी चाहिए इसको। ये देखो एक और टिक लगी है गाइस, अब मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ। निकालना मंजू, ये देखिए गाइस इसे बस पकड़ना है और खींचना है फिर आराम से ताकि उसके बाल ना निकले। ये मेरी सिस्टर है जो अभी, जिसने ये टिक निकाल के इधर रखी है। देखिए ये एक कीड़ा होता है जो खून चूस के बड़ा होता रहता है। अभी कीड़ा इतना बड़ा हो चुका है क्योंकि उसके अंदर इसका ब्लड है। तो ये जो मेरी सिस्टर है जिसने अभी, ये क्या ब्लड क्यों हो गया। सो गाइस ये जो मेरी सिस्टर है जिसने अभी इसकी दूसरी टिक निकाली है, वो एक्चुअली पहले बहुत ही ज़्यादा डरती थी और वो भाग जाती थी टिक को देख के, और वो बोल और मुझे ही हमेशा बोलती थी कि आप इसकी टिक निकालो। पर अब वो भी धीरे धीरे सीख गई, इसलिए आप भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। इसी तरह डॉग्स को प्यार करते रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए। गुड बाय।